साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 54 रन से मात दी। इसके बावजूद इंडिया चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। साउथ अफ्रीका ने 210 रन का स्कोर बनाया और इंडिया ने 156 रन ही बना सकी। हरभजन सिंह ने 4 विकेट झटके लिए। भारतीय क्रिकेट टीम 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान दौरे को लेकर नहीं जाएगी, यह बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया है। बीसीसीआई आईसीसी से मैचों को दुबई या श्रीलंका में आयोजित करने की मांग करेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने 23 रन से जीत हासिल की। शुभमन गिल की शानदार पारी ने भारत को 182 रन का स्कोर बनाने में मदद की। जिम्बाब्वे ने 159 रन ही बनाए और भारत ने मैच को 23 रन से जीता। इससे भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वहाब रियाज को पीसीबी चयन समिति ने T20 विश्व कप 2024 के बाद बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद वहाब रियाज ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनने की बात कही है। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में 23 रन से जीत हासिल की। इस जीत से भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी बल्लेबाजी ने भारत को जीत में मदद की। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम की खराब फील्डिंग को लेकर चिंता व्यक्त की है। आईसीसी के बोर्ड सदस्यों को ये भरोसा दिलाया गया था कि महंगे दामों पर टिकट बेचकर घाटे को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीसीसीआई के कई बोर्ड सदस्य इससे नाराज हैं और 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका में होने वाली आईसीसी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठ सकता है। इसको लेकर आईसीसी के कुछ अधिकारियों की भूमिका की जाँच की मांग भी की जा सकती है। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराकर T20 इंटरनेशनल में 150 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। इस समय उनके लिए चुनौतियों के लिए तैयार होने की जरूरत है और उन्हें सबसे अहम चीज 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होना होगा। उनके सहयोगी स्टाफ के बारे में भी तय किया जाएगा। युवराज सिंह ने ऋषिका के खेल को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे अपना हस्ताक्षरित बल्ला भेजा है। उसे मर्लिन ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप और निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऋषिका रोजाना 3-4 घंटे अभ्यास करती है और उसका पसंदीदा शॉट है कवर ड्राइव। युवराज सिंह ने ऋषिका के खेल को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे अपना हस्ताक्षरित बल्ला भेजा है। उसे मर्लिन ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप और निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऋषिका रोजाना 3-4 घंटे अभ्यास करती है और उसका पसंदीदा शॉट है कवर ड्राइव।